दिस तन्वी दिस साइड, वेलकम टू स्टर्लिंग एकेडमी। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस का क्लास टेंथ का पावर शेयरिंग का चैप्टर डिस्कस किया था, जिस लेक्चर में हमने बेल्जियम के बारे में डिस्कस किया था। सो आज हमारा टॉपिक है स्टोरी ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका को हम डिस्कस करेंगे, राइट? श्रीलंका इंडिपेंडेंस डे 4 फरवरी 1948, इंडिया की 15 अगस्त 1947, एंड पॉपुलेशन 2 करोड़। श्रीलंका की जो पॉपुलेशन थी उस टाइम पर 2 करोड़ थी। सो मैंने इसको पाई चार्ट के जरिए बताने की कोशिश की है। 74% सिन्हाला कम्युनिटी के लोग हैं जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं। 8% क्रिश्चियन हैं, क्रिश्चियन में सिन्हाला और तमिल दोनों हैं, और 18% तमिल हैं। यहाँ 18% तमिल को मैंने एक्सप्लेन किया है, जो 13% है वो श्रीलंकन तमिल है और जो 5% है वो इंडियन तमिल है। ये इंडियन तमिल वो तमिल्स हैं जो कॉलोनियल के टाइम पर, जो कॉलोनियल रूल के टाइम पर श्रीलंका में शिफ्ट हो गए थे, प्लांटेशन के लिए श्रीलंका में शिफ्ट हो गए थे, ये 5% वो पीपल हैं। इसके बाद बात क्या आ जाती है कि इससे हम ये कह सकते हैं कि मेजॉरिटी जो है वो सिन्हाला कम्युनिटी की है, सिन्हाला कम्युनिटी की है। और इसी रीजन से जो सिन्हाला कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप लिए जो तमिल थे, जो तमिल लोग थे उनके लिए नुकसानदायक साबित हुए, वो उनके लिए लॉस का एक रास्ता बने। अब बात आती है मेजॉरिटीज्म की। मेजॉरिटीज्म क्या होता है? द आइडिया और बिलीफ दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड रूल द नेशन इन विच एवर वे दे वॉन्ट इज कॉल्ड मेजॉरिटीज्म। इसका मतलब ये है कि जो जिस कंट्री के अंदर जिस की पावर होती है, जिसकी मेजॉरिटी होती है, जिस पार्टी की मेजॉरिटी होती है, वही कम्युनिटी, वही पार्टी क्या करती है? रूल करती है, वही शासन करती है। अब कौन से स्टेप थे जो सिन्हाला कम्युनिटी ने लिए, स्टेप्स या मेजर्स बाय सिन्हाला कम्युनिटी? In 1956, an act was passed in which Sinhala was made the official language and the Tamil was disregarded. Sinhala community ने official language, जो Sinhala language थी उसको official का करार दे दिया, जिससे Tamil की जो अपनी language थी उसको official का करार नहीं दिया गया, जिससे Tamil को एक discriminate होने का, भेदभाव होने का उन्हें पता लगा। सेकेंड पॉइंट, द गवर्नमेंट मेड पॉलिसी दैट फेवर्ड मेंबर्स ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी, इट ऑल्सो गेव जॉब्स टू देम ओनली। जो ये पॉलिसी बनाई गई गवर्नमेंट की कि जो सिन्हाला कम्युनिटी के लोग हैं उन्हीं को गवर्नमेंट जॉब्स पर रखा जाएगा, इवन यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स, गवर्नमेंट जितने भी ऑफिसेज हैं वहां पर सिन्हाला कम्युनिटी के लोग ही होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, Tamils protested when they are realized that they are being discriminated, which soon converted into civil war. जैसे ही Tamils को पता लगा कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, भेदभाव जिस तरीके से उनके साथ हो रहा है, सिन्हलास जो है उनके साथ, Tamils के साथ discriminate कर रहे हैं, उनको preference नहीं दे रहे हैं, तब Tamils ने protest करना शुरू कर दिया। उसके बाद मैनी Tamils were died, many were forced to leave the nation, citizenship to them was denied by the new laws. नए लॉ के अकॉर्डिंग बहुत जो Tamils थे वो मारे गए, कुछ को तो अपने नेशन को छोड़ के जाना पड़ा और अपनी सिटीजनशिप जो नागरिकता थी वो भी सारी खत्म हो गई। The civil war affected social, economic and cultural life and ऑफ श्रीलंका वर बैडली। और इससे सिविल वॉर स्टार्ट हुआ जिससे श्रीलंका की सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल लाइफ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई, पूरी तरह से बर्बाद हो गई। कहीं भी वॉर होते हैं तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ एक ही नेशन में हो, उस वॉर का पूरे वर्ल्ड पर, अदर कंट्रीज पर भी, जो सराउंडिंग कंट्रीज होती हैं
उन पर भी इफेक्ट जरूर पड़ता है। इस पूरी केस स्टडी से हमने क्या समझा कि जो एक कंट्री थी उसमें अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी पावर में हो तो इक्वल शेयर करने से मना कर सकती है। तो वो अगर वो मेजॉरिटी मना कर देती है तो डोमिनेंस अपना जमा सकती है। अगर एक ही कम्युनिटी जो है, जो मेजॉरिटी जिसके साथ है, वो अगर सिंगल कम्युनिटी राज कर रही है तो उसका अपना अधिकार हो जाता है, डोमिनेंस हो जाता है। सो कॉन्क्लूजन क्या था इस पूरी केस स्टडी का? हमारा कॉन्क्लूजन यही था कि बेल्जियम के अंदर तो देखिए ना कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, बट श्रीलंका में जो पावर थी उसको डिस्ट्रीब्यूट इक्वली नहीं किया गया था। उसमें ना ही तमिल की फीलिंग्स को ध्यान में रखा गया और ना ही उनकी पोजीशंस को ध्यान में रखा गया। अगर ये तमिल्स को भी साथ में लेकर चलते तो आज ऐसा नहीं होता। जैसा बेल्जियम में, जो बेल्जियम एक मॉडल बना है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन का, पावर शेयरिंग का, श्रीलंका नहीं है। और मैं आपको एक और भी बात बताना चाहती हूं कि गवर्नमेंट के अंदर हमेशा पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए सिंगल पर्सन के ऊपर। इससे क्या होता है, सिंगल पर्सन के ऊपर ओवर बर्डन भी नहीं होता, सारी जो पावर्स हैं एक ही पर्सन के पास नहीं होती और डिक्टेटरशिप भी नहीं रहती। सो व्यूअर्स, आज मेरा टॉपिक श्रीलंका का कवर होता है। अगर आपको नेक्स्ट इसी के जो पार्ट्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में दिए हैं मैंने, इसके बनाए हैं। सो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।